कहते हैं हम जितनी दुनिया देखते जाते हैं हमारे नज़रिए का दायरा उतना ही बढ़ता जाता है, और कुछ ऐसे ही इस एक्सपेडिशन ने मुझे एक नया नज़रिया दिया, जहां हर मुश्किल भरा रास्ता भी मुझे आने वाले एक नए मोड़ की खुशी दे जाता था। सो हम निकल चुके हैं फॉर आवर एक्सपेडिशन, इट्स अ जीवन। Namaste and welcome to the channel, everybody. This is Himani and I am in Shimla. And yes, as I mentioned earlier, कि मैं एक expedition के लिए जा रही हूँ and आज है इसका day one. कल मैं आ गई थी शिमला एंड आज हमारा ये एक्सपेडिशन स्टार्ट होने वाला है. बिफोर इट स्टार्ट आई वॉज लाइक कि यस, मिलते हैं आप लोगों से, बात करते हैं, बिकॉज कल मैं यहाँ पर पहुँची, पूरा दिन रेस्ट किया, कुछ भी नहीं किया है. Everybody in their vehicles, drive carefully, maintain certain distance. So in case of any problem, you can just walk here and let us know if you guys have any problems. Apart from that, we'll drive really slow because we have a lot of ice and... Yes. Yes. Let's do it. Okay. Everybody has walk in their cars? Yes. Yeah, okay. Let's set them, guys. Let's go. चुका है एंड नाउ वी आर ऑफिशियली लिविंग फॉर एक्सपेडिशन. मेरा कैमरा थोड़ा सा, बट आज डे वन है ऑफ दिस एक्सपेडिशन एंड वी आर कवरिंग शिमला टू कल्पा. वी आर गोइंग टू कल्पा टुडे एंड फ्लैग ऑफ हो चुका है. आई एम गोइंग टू सिट इन दिस सवारी. दिस विल बी माई सवारी फॉर एक्सपेडिशन. सो लेट्स गो. बैठे वो मेरा ये काम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये एक्सपेडिशन एक्चुअल में है क्या. तो ये है 5 दिन का एक्सपेडिशन जो कि मैं कर रही हूँ ग्रे गोस्ट एंड स्नो स्पिन के साथ. इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी सो दैट कि आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सके. आप ये पूरा सीरीज़ देखने के बाद अगर आपका दिल करे कि आपको ऐसा फन फील्ड एंड एडवेंचरस एक्सपेडिशन करना है सो आप इनके साथ कर सकते हैं. दे ऑर्गेनाइज ऑल लाइक सारी अमेनिटीज़ के साथ एंड बहुत ही फन फील्ड एक्सपेडिशन दे डू. तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इनका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. बट बात करते हैं, कमिंग टू द पॉइंट, आज है डे वन एंड डे वन पे वी आर गोइंग टू कवर शिमला टू कल्पा. अभी हम नारकंडा के पास कहीं पर रुके हैं बिकॉज वी वॉन्टेड टू डू अ लाइक, हमें ड्रोन शॉट लेने थे. हमारे साथ पूरी टीम चल रही है. जो मैं जिस गाड़ी में हूँ उस गाड़ी में सारे टैलेंटेड लोग भरपूर है. या आई विल इंट्रोड्यूस यू एवरी. एंड हमको कवर करना है 230 किलोमीटर का डिस्टेंस विच वी आर गोइंग टू कवर टुडे. दो हम थोड़ा लेट हो गए निकलने में, इसलिए मुझे लगता है कि हम जब कल्पा पहुँचेंगे तो रात हो चुकी होगी. बट कोई नहीं, अभी चलते हैं. नारकंडा से ही निकले हैं तो ज़्यादा दूर तो हम निकले नहीं हैं शिमला से. तो यस, ऐसी रास्ते में मैं आपको अपडेट करती रहूँगी. एंड
एंड यस 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि हम इस ट्रिप में जाने वाले हैं स्पीति. यस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन में पूरा टाइम स्पीति बंद था. फर्स्ट टाइम आई थिंक वी आर द फर्स्ट जो स्पीति जाएंगे, सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट. सो लेट्स गो. हाईवे पे ही एक माता का मंदिर है जहाँ पर लास्ट टाइम हम कल्पा जा रहे थे तब भी रुके थे. तो अभी रात को तो बहुत डार्क है, ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है. सो बट यस, हमारी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं बिकॉज माता रानी का आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़ेंगे. और मुझे लगता है कि हमें कल्पा पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट होने वाला है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था. सो इट विल बी अराउंड 11 और समथिंग, आई थिंक 11 बजे तक हम पहुँच जाएंगे कल्पा, क्योंकि अब इससे पहले हम एक जगह पर कुछ खाने पीने भी रुके थे और या मास्क लगाया है बिकॉज बीच में चेक पोस्ट था वाइल वी वर एंटरिंग किन्नौर. सो या दैट्स दैट, आगे विल अपडेट यू. हे एवरीबॉडी, सो इट्स 8:30 नाउ एंड मैंने आपको 7:30 भी अपडेट किया था दैट हम अभी क्रॉस कर रहे हैं करके. एंड उसके बाद इट्स 8:30 एंड वी आर अबाउट टू रीच कल्पा. एक्चुअली 30 किलोमीटर्स लेफ्ट एंड अभी यहाँ पर पेट्रोल पंप में रुके हुए हैं बिकॉज कल जहाँ आगे हमारी जर्नी होने वाली है इट विल बी ऑफ लाइक थोड़ा इस जगह पर हम जा रहे हैं कि वहाँ पेट्रोल पंप नहीं होगा. सो या एवरीबडी इज हियर फ्यूलिंग देयर टैंक्स एंड yeah, अभी थोड़ा सा टायर्डनेस लग रहा है बिकॉज इट्स बीन 10 hours वी आर ऑन द रोड्स. और मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ, लाइक मेरी नींद खुल गई थी. सो अब जो है टायर्डनेस लग रही है बिकॉज इट्स बीन 10 hours दैट वी आर ड्राइविंग, वी आर ऑन द रोड्स एंड या वी कवर 230 kilometers. देयर आर पीपल विद होम, ओ माई गॉड. दिखाती हूँ मैं आपको, रुको कैमरा टर्न करती हूँ. वेट हमारे ब्लॉग के लिए प्लीज गो ऑन. यूपी की भाषा सीखनी है भाषा आपने सीख ली भी बस वही एक बार कोई सी ये मेरे ऑडियंस समझ नहीं पाएगी यूपी वाली, क्योंकि मैं उनको स्टोरी नहीं बताना चाहती हूँ. सो आप कुछ और जर्नी के बारे में, यात्रा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? दामाद जी. Guys, this is code word. By the way, आप बताओ ना, ये असली रहेगा आपके कि सब पूछेंगे आपसे ये दामाद जी कौन है, बस ये आप. Guys, this is not like मेरे कॉन्टेक्स्ट में कोई बात नहीं हो रही, नहीं तो लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे. हिमानी तुमने कोई लड़का ढूंढ लिया क्या? नहीं, हिमानी से रिलेटेड कुछ नहीं है. Yes, ये फुल पावर हंसेगा. But ये फील नहीं हो रहा है ना कि that we covered
230 किलोमीटर और 10 घंटे की ड्राइव हो गई, नहीं समझ में आ रहा ना ऐसा इतना भी है, क्योंकि जितने भी हमारा ये ग्रुप है एक दूसरे को जानते हैं पहले से, मैक्सिमम मुझे जानते हैं यार, मैं तो किसी को नहीं जानती थी बट स्टिल मुझे मजा आ रहा है। एक दूसरे को जानते भी ये है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है ठीक है, तो इसको आपके साथ बिठाया है, तो वो बातचीत वैसे ही चली है कि एक के बाद एक मिलते जा रहे हैं और वैसे के वैसे क्लोज होते जा रहे हैं। सो ही इज द मैन। अरे जरा मास्क वास्क हटाइए बाबू जी, भैया जी, भैया जी रोना नहीं, थोड़े इमोशनल हो रहे हैं सारे अभी। सो कल आपको हम अच्छे से मिलवाएंगे सबसे, अभी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं, कुछ भी नहीं। आपकी यात्रा हमारे साथ कैसी रही, मतलब हमने आपको बोर तो नहीं किया ना? नहीं बिल्कुल नहीं, और हमने भी आपको कोशिश है कि बोर ना किया हो। नहीं बिल्कुल नहीं। ओके एवरीबॉडी, सो आफ्टर दिस पेट्रोल पंप हमें 2 घंटे लगे कल्पा पहुंचने के लिए, एंड कल्पा पहुंचकर हम हमारी डेस्टिनेशन पहुंच गए विच इज़ कल्पा मेंशन, जहां पर हमारा रात का स्टे था। सो पहुंचने के बाद आई वॉज सुपर टायर्ड, सो आई गॉट माय डिनर रूम पर ही, और ठंड काफ़ी ज़्यादा थी तो हीटर ऑन करके हीटर के सामने बैठ के मस्त डिनर किया, एंड उसके बाद क्रैश, आई मीन डे वन वॉज कम्प्लीटेड, और काफ़ी मज़ेदार था, सबसे मिले, नए लोगों से बातें वातें की, तो डे वॉज सुपर ऑसम। तो इसी तरीके से ये ब्लॉग भी यहाँ पर ख़त्म होता है, आपको मिलूँगी डे 2 के ब्लॉग के साथ 2-3 दिन बाद। येस विल बी बैक, टिल देन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन, ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू वॉच सच वीडियोज देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, विल सी यू विद अनदर वीडियो, टिल देन टाटा बाय बाय, नमस्ते।